हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू व्याख्या ईडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं टैरिफ प्लान के बारे में, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं हमारी दिल्ली की, जो कि है राजधानी पावर लिमिटेड BSES की, या फिर यमुना पावर लिमिटेड, या फिर टाटा पावर, या फिर NDMC। इनके लिए जो है नया टैरिफ प्लान जो है आ चुका है, जो कि 2019 से लेकर 2020 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है ये एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे 2018 यानी पिछले साल का जो टैरिफ प्लान था उसे भी कंपैरिजन करके देखेंगे कि जो अभी वाला टैरिफ प्लान है उसके अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन हुए हैं इसमें, और कितना जो है आपके लिए मददगार साबित हुआ है इस बार का टैरिफ प्लान। एंड यहाँ पे हम बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये टैरिफ प्लान है ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसे जो है चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं वेबसाइट भी बताऊँगा आपको कि आप वहाँ से भी जो है किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी अगर न्यू व्यूवर्स है हमारे चैनल पे, तो वो हमें सब्सक्राइब कर सकता है। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएगा, जिससे कि जो है आप जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं हमारे चैनल की वो पा सकें। और हमारे यहाँ पे चैनल पर यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें आपको इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी दी जाएगी, जो जो कि बिजली से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो BSES के कस्टमर्स हैं, यानी कि BSES राजधानी पावर लिमिटेड या फिर यमुना पावर लिमिटेड के हैं, उन दोनों की वेबसाइट जो है सिमिलर है। आप जब उनकी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में जाना होता है, जो कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। देन उसके बाद जैसे ही इस पे माउस ले जाते हैं, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन होता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है योर टैरिफ, राइट। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से क्लिक करने के बाद आपकी एक और जो है विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ से जो है आप अपने टैरिफ प्लान्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो भी कस्टमर्स टाटा पावर के हैं वो वेबसाइट के ऊपर इस टैब पर क्लिक करेंगे, जो कि कस्टमर्स का है। उसके बाद यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक टैरिफ डिटेल का एक ऑप्शन नज़र आता है, उस पे जो है आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद आपको जो है एक दूसरा विंडो ओपन होता है, जहाँ पे आपको जो है टैरिफ प्लान डाउनलोड करने को मिल जाता है। एंड जो अभी वाला टैरिफ प्लान है, जो कि 1 अगस्त से जो है ये एप्लीकेबल है, और यहाँ से आप जो है इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह जो है आप यहाँ से टाटा पावर की वेबसाइट से या फिर BSES की वेबसाइट से जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो आप DERC की जो है वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है मैंने वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, तो वहाँ पे DERC.gov.in आप डालेंगे, देन आपको जो है होम पेज इस तरह नज़र आता है। देन उसके बाद आप यहाँ पर व्हाट्स न्यू में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, राइट। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ शेड्यूल 4 फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2020, जो कि है BRPL, BYPL, TPDDL एंड NDMC, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद जो है इसे आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम टैरिफ प्लान पे ज़रा नज़र डालते हैं कि इस बार का टैरिफ प्लान जो है किस तरह का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ये टैरिफ प्लान जो है यहाँ दिया गया है डोमेस्टिक के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि इंडिविजुअल कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अप टू 2 किलोवाट, यानी अप टू 2 किलोवाट का मतलब है जिसका भी कनेक्शन, यानी कि जिनका मीटर जो है वो 1 किलोवाट का है या फिर 2 किलोवाट का सेंसन हो रखा है, तो उसके लिए जो फिक्स चार्जेस हैं वो अब जो लगते हैं, लगेंगे जो, वो लगेंगे ₹20 पर किलोवाट पर मंथ। हर महीने के बिल में हर किलोवाट के लिए ₹20 ऐड होंगे। मान लीजिएगा 1 किलोवाट आपका सेंसर लोड है, तो उसका ₹20 फिक्स चार्ज लगेगा। कैलकुलेशन जो होती है वो पर डे के बेसिस पे होगी, तो वो 19 या 18 इस तरह के हो सकता है, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। अगर यही आपका सेंसर लोड 2 किलोवाट का होगा तो 20 + 20 यानी 40, इस तरह जो है टैरिफ प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपका फिक्स चार्जेस बनेगा। एंड अभी हम पहले फिक्स चार्जेस की ही बात कर लेते हैं। देन उसके बाद 2 से लेके 5 किलोवाट तक के लिए जिसका भी है सेंसर लोड, अगर मान लीजिएगा 2 से ऊपर जिसका है, यानी कि 3, 4 या 5 किलोवाट के अंदर आता है, तो उनके लिए जो है ₹50 लगेगा पर किलोवाट पर मंथ। यानी कि यहाँ पे अगर 3 होता है तो
5 ज़ा 15, यानी कि 150, यानी कि 1 किलोवाट के लिए 50, रेट चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 से लेके 2 तक आपका 20 रुपये लगे और उसके बाद जो 3 किलोवाट है उसके लिए अलग, नहीं, उस पूरे किलोवाट के लिए अगर इस ग्रुप में आता है तो 1 से लेकर 3 के लिए 50 प्लस 50 प्लस 50 इस तरह लगेगा, तो 150 हो जाएगा आपका 3 किलोवाट का। इसी तरह अगर 4 होगा तो 4 बार 50 50 50 50 प्लस कर लेंगे, जितना बनता है वो आपका, ऐसे ही सेम 5 किलोवाट के लिए। तो इस तरह जो है टैरिफ प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपका फिक्स चार्जेस लगेगा। 5 से ऊपर जिसका भी होगा, 15 तक, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 या 15 किलोवाट रहता है, तो आपका जो है 100 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लगेगा। एंड इसी तरह जो है 200 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लगेगा ये, राइट, अगर 15 से ऊपर है और 25 तक है, और 25 से ऊपर है तो 250 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लगेगा। ये अभी हमारी जो बात की है हमने वो डोमेस्टिक के लिए की है, जो कि घरेलू कनेक्शंस होते हैं, राइट। अब हम जरा देखते हैं यहाँ पर जीएचएस जो होते हैं, सिंगल पॉइंट डिलीवरी सप्लाई होते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे लगेगा फिक्स चार्जेस वो होगा 150 रुपये पर किलोवाट पर मंथ। देन उसके बाद हम आते हैं नॉन डोमेस्टिक के लिए। पहले क्या था कि यहाँ पर आपका एक ही कैटेगरी होती थी नॉन डोमेस्टिक की, जिसमें 250 रुपये पर किलोवाट लगते थे। अब यहाँ पे क्योंकि यूनिट्स रेट जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं इस बार के टैरिफ प्लान में, वो भी अभी हम देखेंगे किस तरह के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 250 रुपये पर किलोवाट फिक्स चार्जेस है, जो कि नॉन डोमेस्टिक के लिए है। इंडस्ट्री के लिए जो है वो भी 250 है, एग्रीकल्चर के लिए 125, 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ है, राइट। मशरूम कल्टीवेशन के लिए 200 रुपये पर किलोवाट पर मंथ। पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी 250 रुपये है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो डायल DIAL होता है, उसके लिए भी 250 है यहाँ पे पर KVA पर मंथ, राइट। अगर एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग्स जो होती हैं उनके लिए भी यहाँ पर 250 पर KVA पर मंथ रखा गया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं ई रिक्शा के लिए, या ई व्हीकल्स जो होते हैं सिंगल पॉइंट डिलीवरी, तो यहाँ पर नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट रेट्स के बारे में। तो यहाँ पे यूनिट रेट जो आप देख पाएंगे 0 से लेके 200 यूनिट्स तक अगर कंज्यूम होती हैं आपकी, तो यहाँ पर 3 रुपये पर यूनिट लगेगा। अगर 201 से लेकर 400 तक यूनिट्स होती है कंज्यूम, यानी जो भी स्लैब वाइज कैलकुलेशन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग है, तो 4.5 रुपये के करीब यहाँ पे लगे, यानी 4.5 रुपये ही लगेगा पर यूनिट, और 400 से 800 के बीच में होता है, तो यहाँ पे 6.5, ठीक है, यानी कि 6 रुपये 50 पैसे, और 800 से 1200 तो 7 रुपये पर यूनिट, और अगर 1200 से ऊपर है तो 8 रुपये पर यूनिट। यहाँ पर सिंगल पॉइंट डिलीवरी सप्लाई फोर्स GHS के लिए जो है वो है 4 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। एंड यहाँ पर देखने वाली बात है कि नॉन डोमेस्टिक के लिए जो है वो यहाँ पे यूनिट रेट्स क्या रखे गए हैं इस बार, जो कि है अगर 3 KVA तक का है लोड, 1 2 या 3, तो उसके लिए 6 रुपये पर KVAH लगेगा। अगर उससे ऊपर है तो 8 रुपये 50 पैसे लगेगा, यानी 3 से ऊपर है, 4 5 6 7 8 या अबव, तो 8 रुपये 50 पैसे पर KVAH लगेगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है उसके लिए जो रखा है इस बार वो 7 रुपये 75 पैसे पर KVAH है। एग्रीकल्चर के लिए जो है वो है 1 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। इसी तरह मशरूम
कल्टीवेशन के लिए 6 रुपये 50 पैसे पर यूनिट, पब्लिक यूटिलिटी के लिए 6 रुपये 25 पैसे हैं पर केवीएच। देन उसके बाद यहाँ पे DIAL यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए जो है वो है 7 रुपये 75 पैसे पर केवीएच, एंड एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग्स के लिए जो है 8 रुपये 50 पैसे पर केवीएच है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से आप जो है इसे समझ सकते हैं और अपनी जो है कंजप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, अभी हम कंपैरिजन भी देखते हैं। एंड यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस के लिए जो है सप्लाई जो एट LT लेवल पे होती है वो 4 रुपये 50 पैसे पर यूनिट, एंड HT के लिए जो है 4 रुपये पर KVH है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा जो है इस बार का टैरिफ प्लान है जो कि 2019 से लेकर 20 के लिए है और ये 1 अगस्त से लागू हो चुका है। अब हम जरा कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि जो 2018 से 2019 के बीच में जो क्या टैरिफ प्लान था और अभी जो है कितना अंतर आया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले हम फिक्स चार्जेस की ही बात कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पर 2018 से लेकर 2019 के बीच में जो टैरिफ प्लान था उसके अकॉर्डिंग जो फिक्स चार्जेस लगते थे 125 रुपये लगते थे पर वाट किलो वाट पर मंथ, राइट, 1 से लेकर 2 किलोवाट तक के लिए। अभी जो है वो 20 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लगेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जो है अंतर आया है इस बार के फिक्स चार्जेस में। पहले जो है 3 से लेकर 5 के लिए 140 रुपये पर किलोवाट लगते थे, अब जो है 50 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लगेंगे। एंड पहले जो है 6 से लेकर 15 किलोवाट तक के लिए 175 लगते थे, अभी जो है 100, राइट, 100 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लगेंगे। एंड 200 थे पहले, जो कि यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है फिक्स चार्जेस में 16 से 25 किलोवाट के लिए, यहाँ पर 200 200 है अभी भी। एंड उससे ऊपर जो है 16 से ऊपर जितना भी है उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है, 16 से 25 एंड 25 से अबव एंड CGHS जो है इन सभी के लिए जो टैरिफ प्लान 200 250 150 था अभी भी जो है 200 250 150 है। तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारे घरेलू कनेक्शन होते हैं, ज़्यादातर जो फैमिलीज होती हैं, राइट, उन सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़ायदा होता है, जो कि फिक्स चार्जेज जिनके ज़्यादातर मैक्सिमम जो किलोवाट हो पाता है वो 15 किलोवाट तक ही हो पाता है, ये नॉर्मल फैमिली होती हैं, राइट। तो उनके लिए जो है फिक्स चार्जेस से जो है काफ़ी मदद मिलेगी, 20 50 और 100 जो है, राइट। यहाँ पर अब नॉन डोमेस्टिक में हम देख लेते हैं, तो पहले क्या होता था कि नॉन डोमेस्टिक एक ही कैटेगरी के अंदर जो है 250 रुपये फिक्स चार्जेस ही लगता था। अभी भी जो है फिक्स चार्जेस तो सेम है बट यहाँ पर यूनिट जो है वो अलग अलग कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नॉन डोमेस्टिक के लिए यूनिट रेट यहाँ पे आप चेक कीजिएगा अप टू 3 KVA एंड अबव 3 KVA, यानी कि 3 KVA तक और 3 से ऊपर अगर जाता है आपका लोड, तो 2018 से 19 के लिए 8 रुपये पर KVH लगता था नॉन डोमेस्टिक के लिए, चाहे वो 3 अप टू 3 KVA हो या फिर उससे ज़्यादा हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसमें जो है आपका 8 रुपये पर KVH लगता था। अभी जो है अप टू 3 KVA 6 रुपये लगेंगे पर KVH, एंड उससे अबव जाता है 3 से ऊपर जाता है तो 8 रुपये 50 पैसे पर KVH लगेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 3 तक के लिए जो है काफ़ी फ़ायदा है हुआ है, जो कि पहले जो है वो 8 रुपये के हिसाब से ही देते थे, अभी अगर उनका 3 KVH तक का है, राइट, 3 KVA तक का है अगर लोड उनका, तो अभी जो है उन्हें 6 रुपये पर KVH देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये फ़ायदा हुआ है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इंडस्ट्री के लिए फिक्स चार्जेस भी सेम है बट यहाँ पर जो है आपके एनर्जी चार्जेस जो हैं वो पहले जो थे
2018 से 19 तक के लिए वो 7 रुपये 25 पैसे पर केवीएच होते थे, अभी जो है 7 रुपये 75 पर केवीएच है, 75 पैसे पर केवीएच। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, राइट। एंड यहाँ इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा पे, अदरवाइज डोमेस्टिक के लिए काफ़ी सही किया गया है इसमें। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे तो एग्रीकल्चर एंड मशरूम पहले जो था 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ होता था फिक्स चार्जेस दोनों के लिए ही, अभी जो है एग्रीकल्चर का 125 ही है बट मशरूम के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि जो है 200 रुपये पर किलोवाट पर मंथ कर दिया गया है। इनका यूनिट रेट जो होता था वो 1.5 रुपये, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे पर यूनिट के, यानी पर के डब्ल्यू एच लगता था। अभी जो है मशरूम के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जो कि 6 रुपये 50 पैसे पर के डब्ल्यू एच यानी पर यूनिट कर दिया गया है। पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए 250 था फिक्स चार्जेस, अभी भी 250 है, यहाँ पर यूनिट रेट आप देख पाएंगे तो 5 रुपये 75 पैसे पर के वी एच होता था, अभी यहाँ पर ये बढ़ चुका है जो कि है 6 रुपये 25 पैसे पर के वी एच हो गया है। इसी तरह डी आई ए एल के लिए 250 फिक्स चार्जेस था, अभी भी है, एंड इन्हीं के लिए जो है यानी कि डी आई ए एल जो है उसके लिए 7 रुपये 25 पैसे पर के वी एच जो है यूनिट रेट था, अभी जो है 7 रुपये 75 पैसे पर के वी एच यूनिट रेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो है ये बड़ा है। देन एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग्स में आप देखेंगे तो 250 250 था, यानी कि पहले भी 250 था, फिक्स चार्जेस अभी भी 250 रुपये है। एंड यहाँ पे पहले आपका 8 रुपये था, अभी ये बढ़ के 8 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल चीज़ें हैं उसमें जो है यूनिट्स रेट्स जो है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि थोड़े सा इसमें बढ़ोतरी की गई है। एंड यहाँ पे ई रिक्शा एंड ई व्हीकल के लिए जो सप्लाई एट एलटी एंड सप्लाई एट एचटी था, तो एलटी के लिए जो था 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट था, और अभी जो है इसके लिए 4 रुपये 50 पैसे पर यूनिट कर दिया गया है, तो ये थोड़ा कम हुआ है। एंड एसटी के लिए भी जो है 5 रुपये पर केवीएच होता था, अभी जो है 4 रुपये पर केवीएच कर दिया गया है, तो ये भी कम किया गया है। राइट, तो ये हमारा जो है टैरिफ प्लान है इस साल का, और कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे आपके जो 2018 से 19 के लिए जो टैरिफ प्लान था उसके साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक के कनेक्शन है उन्हें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ है यहाँ पर फिक्स चार्जेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर वो यूज़ भी नहीं करते थे, मीटर अगर लगा भी रहता था फिर भी उनका जो है बिल जनरेट होता था, और जो कि ज़्यादा होता था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों फ्रेंड है और फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें भी जो है इसके बारे में नॉलेज हो और अपने बिल को समझने में जो है आसानी हो। वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट्स लिंक्स जो है मैंने सारे वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, जहाँ से आप और भी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं और जो टैरिफ प्लान है इसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके आप बताइए कि किस तरह जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और आपके और क्या क्या जानना चाहते हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।